अबे वहां पे मैच नहीं जीता पाया, सोसाइटी भी कंटिन्यूसली प्रेशराइज करती है। हार्दिक पांड्या को गाली देने वाला बटन, क्रिकेट अपन खेलते क्यों है? प्लेयर्स के साथ उनको बॉलिंग किया इंटरनेशनल प्लेयर्स को, प्रोफेशनल में तो और ज्यादा आपको सुनने मिलने वाला है। अबे वहां पे रन बना लेना था, माइंड को ट्रेन कैसे करे अगर अगर आपका परफॉर्मेंस प्रेशर सिचुएशन में अच्छा नहीं रहा है। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष शाटी पे। और आज का टॉपिक है गाइस माइंडसेट के बारे में और अपने माइंड को ट्रेन करने के बारे में। आप टाइटल पढ़ के समझ चुके होंगे कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं। बहुत सारे जन समझेंगे, बहुत सारे जन नहीं समझेंगे। मोटी चमड़ी का बनो अगर क्रिकेटर बनना है तो। बेसिकली इसका क्या मीनिंग है, मोटी चमड़ी का क्या मीनिंग है? तो मोटी चमड़ी का मतलब आप क्रिटिसिज्म, थिक स्किन का बनो। थिन स्किन नहीं रहने को ना, जनरली ये टर्म है, इंग्लिश में फ्रेज यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली आप क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करते हो, लोगों के बात सुनना कैसे हैंडल करते हो, और ये चीज़ क्यों मैटर करती है क्रिकेट में? बेसिकली इंडियन क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्यों? क्योंकि इंडियंस बहुत सारे लोग क्रिकेट क्रेजी हैं और यू नो ट्राइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। और इंडिया में जितने लोग खेल रहे हैं शायद ही वर्ल्ड में कहीं और खेल रहे हैं जो चाहते हैं कि इंडिया में आगे बढ़ के IPL खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, इंडिया खेले, सब मतलब उनको खेलना है। बहुत उम्मीदों से खेलते हैं प्लेयर्स, तो वो खेलते हैं और बहुत इमोशन जुड़े, बहुत पैशनेट है। जितने बाकी देश के, अपन कंपेयर करना गलत होगा, पर सब बाकी देश के यू कैन नॉट से द सेम अबाउट डैम। तो वो चीज़ है, तो पैशन जहाँ है बहुत इमोशंस है, वहाँ पर हर्ट होने की जो जहाँ इमोशनली ज़्यादा कोई अटैच रहता है वो हर्ट भी ज़्यादा होता है। बेसिकली डिटैचमेंट एक टर्म है स्पिरिचुअलिटी में। डिटैचमेंट मतलब ये नहीं कि आप प्यार ही ना करो, डिटैचमेंट मीन्स आप ज़्यादा खुश भी ना हो, ज़्यादा दुखी भी ना हो। बेसिकली क्रिटिसिज्म जो मोटी चमड़ी का मेरा एक आज का मुद्दा है वो है कि आप सपोज मेरे सामने एक लड़का मौजूद है, मेरे एकेडमी का लड़का है, बाजू में खड़ा है, वो कैमरे में तो नहीं आ रहा, वो 14 साल का है अभी, वो अंडर 16 अभी मैचेस खेलने वाले हैं, राइट? अंडर 16 मैचेस खेलने वाले, जो ट्रायल्स मैचेस रहेंगे वो खेलेंगे, और ट्रायल मैचेस में बाय चांस आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, राइट? आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपका कैप्टन भी आपकी तारीफ़ करेगा, फील्डर मतलब टीममेट्स भी तारीफ़ करेंगे, कोचेस भी तारीफ़ करेंगे, सिलेक्शन जो सिलेक्टर वगैरह आएगा देखने के लिए वो भी तारीफ़ करेगा। पर अगर आपका परफॉर्मेंस प्रेशर सिचुएशन में अच्छा नहीं रहा है, अगर अच्छा नहीं रहा तो क्या होगा, आपको बहुत सुनना मिलेगा, अरे यार तूने वो और ऐसा डालना था, वो बॉल यहाँ डालना था, तुझे समझ में नहीं आता था क्या, कैसी बेवकूफ़ी वाली बॉलिंग डाला, कंटिन्यूसली आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले। तो ये चीज़ जब होती है ना गाइस, और अपने सबसे इम्पोर्टेंट सोसाइटी भी कंटिन्यूसली प्रेशराइज़ करती है, आपके मम्मी पापा कि तुझे को ये करना नहीं होता क्या, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके रहते हैं। तो उसमें आपको कंपोजर मेंटेन करना आना चाहिए। आप कभी भी उससे सकम हो जाते हो, प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हो, माइंड प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है कि यार टू मैनी थिंग्स, कि लोग क्या कहेंगे, कैसा यार मैं कैसा करूँ, इतना सर ने ऐसा बोल दिया, कोच ने ऐसा बोल दिया, कैप्टन ने मेरे को बोला बॉलिंग ही नहीं दूंगा, बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती है, और वो वहाँ पे हर्ट हो जाता है, ठेस पहुँच जाती है दिल को, और ठेस पहुँच जाती है तो फिर वो धीरे धीरे ना, क्रिकेट जो मेन मकसद है कि एंजॉय करना है। पहला तो अपना क्रिकेट अपन खेलते क्यों है? ऑफकोर्स अपने को इंडिया खेलना है, सब एम्बिशियस है, सबको आगे बढ़ना है, बट अपन खेलते क्यों है? क्योंकि आप पसंद करते हो क्रिकेट खेलना, राइट? मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स पसंद करते खेलना, इसलिए क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते। सब ये नहीं, मतलब ये है कि अगर उनको मिला नहीं तो वो क्रिकेट खेलना पसंद करना बंद नहीं करेंगे, उनको क्रिकेट पसंद है, इसलिए आप देखते हो कि वेरियस टूर्नामेंट जो 40-50 साल के बाद भी लोग खेलते रहते हैं ना, डॉक्टर्स भी खेलते रहते हैं, लॉयर्स की भी टूर्नामेंट होती, सब जनों की टूर्नामेंट होती, इंजीनियर्स की अलग टूर्नामेंट होती, कॉलेज में अलग टूर्नामेंट होती क्रिकेट की, क्योंकि दे एक्चुअली लाइक प्लेइंग स्पोर्ट, राइट? उनको क्रिकेट खेलना पसंद है तो इस वजह से खेलते हैं। और इस रिगार्डिंग प्रोफेशन जब आप उसको जोड़ लेते हो, उनको तो कोई प्रेशर नहीं रहता। हालांकि मैंने डॉक्टर्स की भी टूर्नामेंट देखी है और उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो भी लोग बहुत सारे बोलते हैं, अरे तूने मैच हरा दिया, आप तो प्रोफेशनल खेल रहे हो गाइस, आप प्रोफेशनल खेल रहे हो तो प्रोफेशनल में तो और ज़्यादा आपको सुनने मिलने वाला है। आप और आज के ज़माने में जहाँ पे सोशल मीडिया इतना इन्वॉल्व है, मीडिया जो मीडिया वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, आप मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पे है, वो देखते रहते हैं कंटिन्यूसली। अगर आप क्रिकेट का वीडियो डाल रहे हो, क्रिकेट का फोटो डाल रहे हो तो भी आपके
बहुत सारे बैड कमेंट्स आ सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। जब जीते तो तारीफ भी होती है पर नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है। तो बेसिकली अपन तारीफ एकदम सुनने की आदत नहीं ना, अरे किसने अपने बारे में अच्छा बोला, क्या बोला, अरे इतने सारे कमेंट्स आए, इतने सारे लाइक्स आए। वी आर धीरे 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 अपना माइंड क्या हो रहा है उस चीज़ से एसोसिएट हो रहा है। लाइक से अगर एसोसिएट होगा ना तो डिसलाइक से भी एसोसिएट होगा, लोग नेगेटिव बोलेंगे उससे भी एसोसिएट होगा। तो ये चीज़ भी आपको समझना है कि माइंड को ट्रेन कैसे करें अगर आपको मोटी चमड़ी का बनना है और लंबे समय तक क्रिकेट में जुड़ना है। आपको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि ये आप अभी देखिए, ये पोस्ट है इंडियन टीम क्रिकेट टीम की, ये इंडियन क्रिकेट टीम की पोस्ट है और ये इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज अभी हाल ही में 2020 टूर्नामेंट जो हुआ था, सीरीज़ जो हुई थी उसके बारे में। उसमें पहली दो मैच वेस्ट इंडीज़ जीती, दूसरी दो मैच इंडिया जीती और ये फिफ्थ मैच थी 2020 और ये डिसाइडर थी। तो इसमें इन्होंने प्लेइंग 11 लिखा और प्लेइंग 11 में अ लुक एट टीम इंडियाज प्लेइंग 11 फॉर द डिसाइडर, राइट। और इसमें कमेंट देखिए, आप कमेंट देखिए, पहला कमेंट है हार्दिक पांड्या को गाली देने वाला बटन, ये देखिए, और उसको 330 लोगों ने लाइक किया। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। आई डोंट नो वाई पीपल आर सो टॉक्सिक अबाउट प्लेयर्स। लाइक ठीक है यार, प्ले परफॉर्मेंस जो भी है ये लोग आपको खेल के बताना है गाइज। आप सिर्फ ऑडियंस के तौर पे आप सिर्फ लोगों को गालियाँ देने की आदत है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ी है, जलसी, द्वेष भावना, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है। आई डोंट नो वाई। अपन ट्राई करेंगे कि जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सक रहे अपने एकेडमी में, अपने अराउंड में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बातें बोल सके, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स कर सके नेगेटिव बात करने के बजाय। ये देखिए इसमें लाइक सीरियसली इतना सारा गालियाँ वगैरह देना, दूसरों के बारे में ख़राब बोलना, BCCI को गाली देने वाला बटन, अरे बाप रे, ये कितना बहुत सारी चीज़ें। हार्दिक पांडे को बहुत घमंड है, वो भारत की टीम के लायक नहीं है। बाप रे बाप, इतने अच्छे प्लेयर को जो जिसने मैचेस जीता है, ऑलराउंडर है, अच्छा परफॉर्मेंस है, उनके बारे में इतना ख़राब बोलते हैं जब उनका परफॉर्मेंस नहीं होता है। तो ठीक है, आप इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं, ऑफकोर्स आपको बोलने का हक है, पर थोड़ा तो तरीके से बोलिए। आप एकदम ही दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। बट ये आप कितना भी चाहे कि चेंज हो सोसाइटी में, पर ये चेंज इतने इजीली होने नहीं वाला और इस सिचुएशन से सबको जाना है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको ये कमेंट्स आने वाली है, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स कंटिन्यूसली आने वाली है। विराट कोहली का अभी मैं पोस्ट देख रहा था, विराट कोहली ने, मैं एक बार पोस्ट दिखाता हूँ विराट कोहली का, उन्होंने पोस्ट डाला था जब इंडिया वर्सेस अभी वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ का पोस्ट था, तो उसमें बोला था ग्रेट टीम एफर्ट, अ कम्प्लीट टीम एफर्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यशस्वी एंड ईशान ऑन योर डेब्यूट। तो ये पोस्ट है, ये पोस्ट में अब इस पर कमेंट क्या आया देखिए, इसमें वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हारे थे तो उसमें लिख के आया, अबे वहाँ पे रन बना लेना था, अबे वहाँ पे मैच नहीं जीता पाया, अब क्या बोल रहा है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीता के, मतलब ये टाइप के बहुत सारे कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स आए। अरे जानबूझ के हारने थोड़ी गया था प्लेयर, वो ईमानदारी से ही कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, पूरा ट्राई करते हैं कि अपने पूरे एफर्ट्स लगा के टीम इंडिया को जिताए। सब वैसे ही प्लेयर्स, ऐसा नहीं है कि सब आलसी है, आपको लगता है कि लोकल लेवल पे सब प्लेयर्स आलसी है, नहीं ऐसा नहीं है, दे वर्क हार्ड, दे वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, बट सब जाके प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बन सकते। कितने सारे जने जिन्होंने बहुत सारा डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी इंडिया के लिए डेब्यू नहीं हुआ, क्योंकि तब इंडिया में जगह ही नहीं खाली थी, कंटिन्यूसली इंडिया में परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा था तो किसके जगह खिलाते। तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है कि आप किसी को नेगेटिव बोलने या किसी के एफर्ट्स पे आप रिमार्क्स करने से पहले आप सोच लीजिए कि अपन कहाँ है। अपन एज अ प्लेयर, ये जो ऑडियंस के तौर पे देख रहे हैं कि वो प्लेयर बनने के लिए कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, राइट। ऑडियंस के वो ऑडियंस सिर्फ गालियाँ देने के लिए कि खराब, अच्छा, बुरा बोलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एज अ प्लेयर अपने को इसमें से ही जाना है। अगर आपको खेलना है तो आप मोटी चमड़ी का बने। मुझे भी पर्सनली कितना क्रिटिसिज्म होता है 2010 से पहले मैं जब वीडियोस डालता था, मैं आपको पता है सब क्रिकेट के वीडियोस रिकॉर्ड करता था एनालिसिस के लिए, मेरा जो इंटेंशन था बहुत पॉजिटिव था, तो वो चीज़ में मेरे को बहुत, अरे फेसबुक के लिए कर रहा है, यूट्यूब के लिए कर रहा है, इंस्टाग्राम के लिए कर रहा है, कंटिन्यूसली बहुत सारे बोलते थे। पहले मैं नेट्स के डालता था, अभी नेट्स में अच्छा खेलता, फिर मैं मैचेस के डालना था, अभी ये खराब मैचेस में अच्छा खेलता, फिर मैंने अच्छे प्लेयर्स के खिलाफ डाले तो बोलते अरे बस इतना यही का प्लेयर है, आगे नहीं, मतलब
जलसी द्वेष भावना बहुत सारी है गाइस। तो मेरे को किसी को, मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि किसी को नेगेटिव साबित करना है या किसी के खिलाफ मैं हूँ। मुझे मेरा पर्सनल गेम जो अच्छे लेवल का मेरे को बनना है, कोशिश करना है, उस रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ। मेरे को अब भी हाल ही में कल ही एक कमेंट आया, मैं उस रिगार्डिंग बहुत सरप्राइज हूँ। ये मैंने पोस्ट डाला, माई न्यू वेरिएशंस आर कमिंग ऑफ। तो मैं जो न्यू वेरिएशंस पे वर्क कर रहा था वो मैचेस में आ रहे हैं, और इस पर एक कमेंट आया दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। ये एक कमेंट देखिए, हेलो आशीष राठी, मैं आपको बहुत क्लोजली जानता हूँ, बट फेक अकाउंट से आने का रीज़न है कि मुझे नहीं लगता कि सच बात जानने के लिए मेरी आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट है। राइट, क्योंकि वो खुद फेक है और सच बात बता रहा है। सो आशीष भाई, तुमने अपना करियर में अब तक कोई अचीवमेंट नहीं की, सही में नहीं की। जो अगर आपके दृष्टिकोण से देखे जाए तो नहीं की, मेरे दृष्टिकोण से देखे जाए, मैं पर्सनली ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, ऐसे सिटी से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मुझे अगर प्लेयर देखना भी नसीब हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात थी। तो उस रिगार्डिंग मैंने जो भी अचीव छोटा मोटा अचीव किया, जिनके खिलाफ भी खेला, सरप्राइजिंगली मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मैं गांगुली से मिला प्लेयर्स के साथ, उनको बॉलिंग किया इंटरनेशनल प्लेयर्स को, तो वो सारी चीज़ें तो विश्वास ही नहीं होती कि ये अचीवमेंट भी मेरे लिए बहुत बड़ी है। एक मामूली सा लड़का जिसका कुछ सपना था क्रिकेट में, सिर्फ खेलने मिलना, मुझे खेलने की भी परमिशन नहीं थी, वो खेलने मिल रहा है, इतने साल खेलने मिल रहा है, उससे मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मेरे लिए तो ये अचीवमेंट ही है, खेलने मिल रहा है अभी भी मुझे ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे ऑफकोर्स एम्बिशियस हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, बट जितना भी मैं अचीव किया हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कंटेंट हूँ। तो इसके आगे लिखा है, शो आशीष भाई, तुमने अपने करियर में अब तक कोई अचीवमेंट नहीं मिली बिकॉज तुम मेहनत करते ही नहीं हो, जितना भी करते हो सिर्फ सोशल मीडिया इम्पैक्ट के लिए, सो प्लीज़ डोंट टीच स्टूडेंट्स, उनका करियर ना ख़राब करो पैसे कमाने के लिए, तुम और भी कुछ कर सकते हो, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट देयर लाइफ एज यू वेस्टेड yours। सो गाइज, ये कमेंट मुझे पता है कि कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कौन से क्लब का लड़का है, फेक अकाउंट से आया, पर ये क्यों होता है, द्वेष भावना से होता है, जलसी के माध्यम से होता है, क्योंकि अपन अपने एकेडमी में इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इंडिया में कोई क्लब नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें अपन, क्योंकि मैं पैशनेट हूँ इसलिए मैं इतना सब कर पा रहा हूँ, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं मिर्ची लगने वाली है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आने वाली है, और वो कोशिश करेंगे कि आपको नीचे घिराने की, हमेशा कोशिश करेंगे कि किस जो भी कुछ अच्छा कर रहा है उसको नीचे घिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब कोई अच्छा करता है तो ऑफकोर्स आप वो उनका थोड़ा सा जो अभी तक उनका काम चल रहा था उनका काम धीरे धीरे बंद होता है, क्योंकि उनको पता चलता है कि रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है ना। आपने अब तक अभी अगर समझ लो आप कंपेयर कर रहे हैं, आप छोटे बच्चे के साथ भागे, ठीक है, और आप पहले आए, ठीक है, अगर आप 18 साल के और 12 साल के साथ बच्चे के साथ भागे और आप पहले आए और आपको लगा यार मैं तो सबसे तेज हूँ, वही आप 18 साल के जो वहाँ पे जो लेवल पे आपको पहुँचना है वो लड़के के साथ भागे तो, और उसमें आप बहुत पीछे छूट गए, तो आपको रेफरेंस पॉइंट सही मिलता है कि अरे यार मेरे को यहाँ तक पहुँचना है यार, एक्चुअल में मैं बहुत पीछे हूँ, मैं अब तक छोटे बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था, तो काइंड ऑफ यहाँ पे जो लड़के जुड़े हैं मुझसे उनको रेफरेंस पॉइंट मिला है, और उनको पता चला है कि यार इतनी सारी फैसिलिटी रहती है क्रिकेट में, इतने सारे तरीके से प्लेयर को ध्यान देना पड़ता है, माइंडसेट रिगार्डिंग भी, वीडियो एनालिसिस भी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से लेके, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी से लेके, जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है वो बहुत सारी तरीक़ों से आपको आगे बढ़ना पड़ता है, सिर्फ मेडिटेशन करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, रिकवरी सेशंस का ध्यान रख रहे हैं, स्लीपिंग का भी इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं, आइस बात ले रहे हैं, ऐसी कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जनरल में प्रोवाइड नहीं होती है, इतना कोई एफर्ट नहीं लगाता है, इतना पर्सनलाइज अटेंशन भी कोई नहीं देता है, इतने पे भी नहीं कर रहे मेरे एकेडमी के लड़के, फिर भी मैं उनको जो दे रहा हूँ वो लाख रुपए साल के हिसाब से दे रहा हूँ, राइट, उनकी उनको तो इतनी सारी चीज़ें कोई भी क्लब में मिलेंगी नहीं। बहुत सारे लड़के क्लब छोड़ के गए और फिर वापस आए, क्योंकि उनको पता है कि बाहर कैसा कल्चर है। तो ये जलसी द्वेष भावना होना स्वाभाविक है, होना तो नहीं चाहिए अपने गेम पर, आधे से ज़्यादा लोग अपने चीज़ों पे फोकस नहीं करते। ये सब चीज़ में अगर आपको क्रिकेट में आगे बढ़ना है जहाँ पे इतना प्रेशर है या इतने लोग फॉलो कर रहे हैं और जहाँ पे आपके न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आने वाले हैं, सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स आने वाले हैं, हर जगह आते जाते लोग वो देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको मोटी चमड़ी का बनना बहुत ज़रूरी है।
आपको वो सिचुएशन में भी काम एंड कंपोज रहना बहुत ज़रूरी है, वो हैंडल करते आना चाहिए। अगर वहाँ पे आप सकम कर गए और वहाँ पे आपने नेगेटिविटी अपने अंदर आन दी, तो कभी आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते और पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलेगा आपके लाइफ का। तो आप डे टू डे लाइफ में खुश भी नहीं रहोगे। आपको डे टू डे लाइफ में रात को सोते एटलीस्ट आपको रिलैक्स होकर सोना है। आप दिन भर कितना भी वर्कलोड लो पर अगर रात को नींद नहीं आ रही ये चीज़ों की वजह से, बहुत सारे लड़के देखे हैं मैंने, मेरे मतलब जो साथ में थे वो हैंडल ही नहीं कर पाते थे, खराब परफॉर्मेंस हैंडल ही नहीं कर पाते थे। कोई कुछ बोलता था तो बहुत नेगेटिव हो जाते थे, बहुत डायरेक्ट ये बोलते थे अब मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मतलब खेलना ही नहीं। तो वो तरीके से अगर आप सोचते रहे तो सचिन तेंदुलकर के बारे में भी देखेगा, इस सचिन तेंदुलकर ने कितने मैचेस किए और 100 सेंचुरी है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर 800 मैचेस खेले तो 800 सेंचुरीज है गाइस, 800 मैचेस 1200 मैचेस खेलने के बाद में 100 सेंचुरीज है। तो उनका आप अगर देखेंगे तो वो भी 0 पे आउट हुए हैं, उन्होंने भी फेलियर्स ज़्यादा देखे सक्सेसफुल डेज के मुकाबले। तो सक्सेसफुल डे हर दिन क्रिकेटर के तौर पर हर दिन आपका सक्सेसफुल नहीं रहेगा और ये आप समझ लीजिए। तो ज़्यादा एकदम अपने को उड़ने भी मत दीजिए कि मैंने यार 100 बनाया यार मैं क्या प्लेयर हूँ, तूफान प्लेयर हूँ। या जब परफॉर्मेंस ख़राब होता है तब ज़्यादा नेगेटिव भी मत होइए। बेसिकली प्रोसेस को फॉलो कीजिए, राइट एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में जाइए, ईमानदारी से कीजिए, जो भी आउटकम होगा उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, अपने लाइफ को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए और समझिए कि क्रिकेट आपका पार्ट है लाइफ का, उसके अलावा भी उसके परे भी ज़िंदगी है। ये चीज़ मुझे शॉन पॉलक राहुल द्रविड़ के साथ था, मैं राहुल द्रविड़ मुझे यस बॉस बोलते थे मैं सर बोलता था प्लीज़ डोंट कॉल मी बॉस लाइक, तो वो बॉस बोलते थे आई वॉज सरप्राइज, एकदम हम्बल ह्यूमन बींग। शॉन पॉलक तो लाइक एकदम प्राइम एग्जांपल, मैं जब भी आता था मैं उनके साथ काम किया तो मैं बोलता था गुड मॉर्निंग सर, तो बोलते थे यस सर वेरी गुड मॉर्निंग, तो मैं बोलता था सर प्लीज़ मुझे सर मत बोले, तो मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, बहुत कम खेला हूँ प्लेयर इतना, मैं आप कहा जो साउथ अफ्रीकन के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं इंटरनेशनल में, उनके अराउंड 800 विकेट्स हैं, तो उनके लिहाज में मैं देखा मैं बहुत छोटा प्लेयर हूँ, ऐसा मैंने बोला उनको, तो उन्होंने मेरा बहुत प्यारा रिप्लाई दिया वी आर ऑल सेम इन आईज ऑफ गॉड, तो बोले भगवान की नज़रों में अपन सब सेम है, बोले क्रिकेट में थोड़े से अपन कम ज़्यादा ज़रूर हो सकते हैं वो आंकड़े बताते हैं बोले, पर लाइफ में अपन सब भगवान की नज़रों में सेम है अगर अपन गुडविल को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे पॉजिटिविटी को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है और वही एनवायरनमेंट मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ, वही यही प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, वही कल्चर, इसलिए यूनिटी की बहुत बात करता हूँ हमारे टीम में, हमारे एकेडमी में और साथ में जो भी घर पे भी ये चीज़ मैं बहुत फॉलो करता हूँ कि मैं ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकूँ। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल द नेक्स्ट टाइम लव यू ऑल।